Azi mănâncăm căra pânțuverii. Pânțuverii? Anăs. Mă iubite, cu tot tân ca și tăra? Aș nu lăsa un chehe tăra, mă iubite, mă, dar și tăra e mai pânțarul pe el. Pânțarul pe el? Anăs. Uite, știi, măs? Așa zic, ai mai pânțuverii pe așa, dar mă zgai. Rătă să zic mai pânțuverii pe el. Rătă să tăra și pânțuverii pe el. Anăs. Assalamu alaikum, nazrin, aap dekh rahe ho Kashmir Crown aur main hu Irfan Malik. Is waqt hum maujood hain Sarhadi zila Kupwara mein. तो ठीक मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये कॉन्टेंजेंट पेड वर्कर्स हैं जो महकमे तालीम में काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से इनकी जो महाना तनख्वाह है वो 1500 से 1000 रुपए हैं जो उनको पिछले तीन साल से नहीं मिली है अभी तक ये लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलातों में हैं तो इनको पिछले कई सालों से ये अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं और सरकार से ये बार बार अपील कर रहे हैं बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी जो तनख्वाह है वो वागुजार की जाए तो मगर इनकी बात अभी तक कहाँ पहुँची है किसने सुनी है ये किसी को नहीं पता है अभी ये इन्होंने आज यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ये कुपवाड़ा में तो इन्होंने आज यहाँ पर एक खामोश एहतजाज किया इनका यही कहना है कि इनकी जो तनख्वाह हैं वो वागुजार की जाए ना सिर्फ 500 से 1000 रुपये इनकी तनख्वाहें हैं और अभी तक उनको तीन साल से वो भी नहीं मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है इनसे बात करेंगे इनसे ही जानेंगे तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल गनी मलिक जो स्टेट प्रेजिडेंट हैं कॉन्टेंजेंट पेड वर्कर्स के इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या क्या मुश्किल है तो अब्दुल गनी साहब बताइए जी मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक है हम तकरीबन पिछले 20-25 साल से महकमे एजुकेशन में बोसित सीवी पर वाटरमैन नाइट ट्यू की दर काम कर रहे हैं हम 500 से लेकर 1000 रुपये हमें ओई से तनख्वाह मिल रहा था लेकिन बदकिस्मत से पिछले तीन सालों से हमें महकमे ने बोला है कि आपका हेड हम चेंज करेंगे जिसमें महकमे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक रिक्वेस्ट भी भेजी है सेक्रेटरेट जिसमें लिखा है इनको हम मिनिमम वेज एक्ट के तहत तनख्वाह दे देंगे 225 रुपए के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो हमारा मसला हल नहीं हुआ वो वेजेज रिलीज़ नहीं हुई है हमने बार बार चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो एहतजाज किया है अपनी बात आवाज़ हर एक तक पहुँचाई है लेकिन सब ने हमें विश्वास दिया कि आज कल हम करेंगे लेकिन ये आज कल कर रहे हैं हमारा मसला हल नहीं हुआ जबकि हालांकि ड्यूटी का सवाल देखे जाए जबकि 2016 में बुरहान वानी का इनकाउंटर चला है उस वक्त भी CPW और कुकू ने अपने जान को जख्म में डालकर स्कूलों को जलाने से बचाया है उस वक्त डिविजनल कमिश्नर जो बशीर अहमद खान है उसने एक आर्डर निकाला था बोला था कि इनको मिनिमम वेज एक्ट रिलीज़ किया जाए लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो आर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक आर्डर हमारे हक में किया है कि इनको मिनिमम वेज एक्ट रिलीज़ किया जाए लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ है मुश्किल से महकमे एजुकेशन ने 2008 में हमारे हक में SRO 308 बनाया था जिसमें लिखा गया था कि 50% कोटा कंटेंट पेड़ों को CPW को दिया जाएगा और जो बाकी कॉलम नंबर 3 पर है बाकी जो बचे हैं उनको मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा जिसमें उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी वसीमा लंकर साहिबान थी लेकिन आज तक हम उस फाइल के पीछे चल रहे हैं लेकिन बदकिस्मती की वजह है जो ये हमारे अफसर साहिबान ये इसकी तरफ ध्यान नहीं दिए टस से मस नहीं हो रहे हैं बदकिस्मती से कुकू ने कुर्बानी दी है ड्यूटी दी है कोविड सेंटर में ड्यूटी दी है हाल ही में हमारे कुछ बंदे पॉजिटिव भी आए हैं इसमें हमने अपील की थी जनाब अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जनाब डॉक्टर असगर हसन सामून है इसके साथ हमें बहुत उम्मीद थी कि ये हमारा मसला हल करेगा हमने अब महकमे से अपील की थी कि फिल-फोर कंटीजन पेड के हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और बाकी जो इनकी DPC दो साल से पेंडिंग पड़ी हुई है SRO 308 के तहत जिसमें 50% कोटा CPW को मिल रहा है वो भी वागुजार होना चाहिए बदकिस्मती हालात ये है कि इन गरीब मुलाजिमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है हम अब आपके वसात से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो मैसेज है ये आगे हमारे आला अफसरान तक पहुँचाए ताकि हमारा मसला भी हल हो जाए हालांकि हम तमाम फोरमों से अपील करते हैं कि अगर EJ के 4 लाख मुलाजिमीन हैं उसमें भी हम भी एफिलेट हैं उनके साथ सबसे गरीब तबका कंटीजन पेड है अपना सब जाती मामला छोड़कर इस मामले की तरफ असल रसूख इस्तेमाल करके कंटेंट पेड के हक में कम से कम मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और इनकी बाकी DPC भी वागुजार होनी चाहिए
اَسہِ حظ گوٚو یِمے پٕنٛژٕہو ؤریو پٮ۪ٹھٕ تہٕ وۄنۍ حظ گٔے رٮ۪تَس حظ یِمے 55,000 رۄپیہِ رٮ۪تَس تَران چھُ 55,000 رۄپیہِ اہن حظ تہٕ یِم حظ گٔے اَسہِ آز 3 ؤری تقریٖباً کِہیٖنۍ تَرنَس کانٛہہ پونٛسٕے حظ یَتھ اَندَر حظ اَسہِ روڈ ڈیوٗٹی تہِ ہیٚژٕکھ روڈ ڈیوٗٹی تہِ ہیٚژٕکھ اہن حظ ییٚلہِ سکوٗل زٲلِکھ نہ حظ پَتہٕ حظ لٔگۍ اَسہِ راتھ دۄہ ڈیوٗٹِیَن حظ حالانکہِ اَسہِ حظ چھُ آز تہِ پٮ۪وان گژھُن اوٚت حظ تہٕ یوٗت حظ گوٚو اَسہِ خٲطرٕ مُشکِلات کہِ اَسہِ حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس فَق کٔشیٖر ہِنٛز تہٕ وٕنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان تُہٕنٛز کیٛاہ ڈِمانٛڈ چھِ أسۍ حظ چھِ یَژھان یی کہِ اَسہِ سٲنِس حَقَس منٛز گژھِ اَکھ یِم تَنخواہ کَرٕنۍ وَہ گُزار بیٚیہِ گژھِ یہِ مِنِمَم ویجِز ایٚکٹ کَرٕنۍ لاگوٗ حظ اَسہِ حظ پٮ۪وان چھُ پوٗرٕ یِمَن پنٛنٮ۪ن ٹیٖچَر صاحبَن سۭتۍ دِنۍ 10 ٹُو 4 حظ ڈیوٗٹی 10 ٹُو 4 اہن حظ بِلکُل حظ تَنخواہ چھُ تَران 50 رۄپیہِ 55,000 رۄپیہِ سَر معاملہٕ چھُ یہِ کہِ نہ چھُ اَسہِ پٕنٛژٕ پٮ۪ٹھٕ 50 تامَتھ اوس اَسہِ یہِ تَران حظ تَنخواہ سُہ تہِ چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ تَران کینٛہہ باقٕے یِم اَسہِ مَیاف موٗجوٗب ویجِز حظ چھُ باقٕے کینٛہہ چھُ تِم کَرو أسۍ مگر تِم گٔے نہٕ کینٛہہ أسۍ سون چھُ وۄنۍ اِلتِجا یِہوٚے حظ کہِ یہِ گوٚژھ سٲنۍ یہِ کَتھ گٔژھ برونٛٹھ فاروٲڈ گژھٕنۍ کہِ سون مَسلہٕ تہِ گوٚژھ اَسہِ غریٖبَن ہُنٛد حال گژھُن دیکھا کہِ یہِ اِن کی حالت ہے اِس وقت یہِ قسم پُرسی کی حالت میں جی رہے ہیں اِن کے پاس کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے اِن کے پاس میرے خیال سے ایک مہینے میں اِن کو 50 روپے ملتے ہیں تو یہ اِن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے 25 سال سے جو آدمی محکمے میں کام کر رہا ہے اور آج اس کو کوئی الاؤنس مل رہا ہے اور نہ ہی اس کو اپنی جو مزدوری ہے وہ مل پا رہی ہے تو سرکار کو جو ایڈمنسٹریشن ہے جو انتظامیہ ہے ان کو اِن کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ مزدور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے کشمیر کرام پر ہمیں دیکھنے کے لیے